तो हाय फ्रेंड्स, ये मैं अपना राइड खत्म करके आ गया हूँ वांद्री लेक। अब वांद्री लेक तो यार सब लोग आते हैं, मतलब कुछ एक्साइटिंग तो है नहीं इस वीडियो में, या मतलब बाकी वांद्री लेक के काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, तो मैं तुम्हारा वीडियोस क्यों देखूं? बेस्ट पार्ट ये है कि वांद्री लेक सबको पता है, लेकिन वांद्री लेक के पास एक वाटरफॉल भी है जो किसी को नहीं पता, जो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो दो तीन रीज़न थे मेरे वांद्री लेक आने के। पहले तो मैं दो तीन साल से आया नहीं था, तो मुझे आने का मूड था, छोटा सा राइड करने का मूड था। दूसरा, मुझे सनराइज़ के लिए आना था, लेकिन वो मैंने मिस कर दिया, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, नज़ारा काफ़ी अच्छा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तीसरा, मैं अपनी लाइफ की सबसे एक्साइटिंग और सबसे महंगी चाय पीने आया हूँ यहाँ। आप पूछोगे वांद्री लेक में सबसे एक्साइटिंग और सबसे महंगी चाय, वह भी नहीं, आप वीडियो देखो। और उससे पहले जब वांद्री लेक आने का प्लान करोगे और ये वीडियो अगर देख रहे हो, तो ये वीडियो में मैं आपको वांद्री लेक का दूसरा साइड बताऊँगा, या एक ऐसा एंगल बताऊँगा वांद्री लेक में जो किसी ने अभी तक शायद से एक्सप्लोर नहीं किया, तो वो अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अगर ये आपको अच्छा लगा, तो मुंबई के पास सबसे पास में सबसे नज़दीक एक मस्त वाटरफॉल मिल जाएगा तुमको, जहाँ आप छोटा सा राइड करके आ सकते हो और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। और हाँ, अभी हम जाते हैं वाटरफॉल के पास में, और बाकी वाटरफॉल तक कैसे आना है, आपको कहाँ से क्या रास्ता लेना है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो पहले आप वीडियो देख लो, कन्विंस हो जाओ कि आपको आना है कि नहीं। और हाँ, मेरी चाय के बारे में मत भूलना, सबसे एक्सपेंसिव और सबसे महंगी वाली चाय आज हम ट्राई करने वाले हैं, तो आप भी देखो सबसे महंगी और सबसे एक्सपेंसिव चाय क्या होती है। चलो, तो अब मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी, अब यहाँ से बाइक पार्क करके मैं आपको ले चलता हूँ वाटरफॉल पे। हाँ, और हम देखते हैं कि यहाँ से रास्ता कितना लंबा है, कुछ ज़्यादा तकलीफ है तो नहीं। तो आप देखते रहिए और देखिए हम वाटरफॉल तक कैसे पहुँचते हैं। और हाँ, देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत कुछ बहुत बहुत खूबसूरत चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, तो चलो देखते हैं। क्या दे और तुमको, और क्या क्या रीज़न बताया कि यहाँ तुमको आना चाहिए, जस्ट लुक एट इट मैन, सिर्फ देखो इसको। वाकई मज़ा है यार, एकदम साफ़ पानी है, ज़्यादा कुछ गहरा भी नहीं है, आपको स्विमिंग नहीं आती, आप आराम से आ सकते हो, एक छोटा सा राइड मार सकते हो, यहाँ आ सकते हो और यहाँ आके थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हो, सब है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुंबई के पास में सबसे पास वाला ऑप्शन यही है, जहाँ आपको अगर वाटरफॉल देखना है, पानी में एक राइड चाहिए, जंगल के बीच में आना है, कुछ मतलब ऐसा शेर दुनिया के शोरगुल से अलग होकर कुछ देखना चाहता हो तो यहाँ आ जाओ, ये सबसे सेफ है। और दूसरा, इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ वो महंगी वाली चाय के बारे में, और दूसरा वीडियो के एंड में कि आप यहाँ पहुँचोगे ऐसे। रास्ता काफ़ी इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो चलो चलते हैं आगे, कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम उस झरने की ओर जाते हुए, तो ज़्यादा तो कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं वहाँ जाना, तो मैंने अपनी बाइक पार्क कर दी। बाइक पार्क करने के लिए भी बहुत सारी जगह है, कोई कुछ परेशान नहीं करता, गांव के लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं, क्योंकि लोगों को कभी कभी टेंशन हो जाता है गांव के लोग कैसे हैं क्या हैं। तो मैं जाता हूं झरने तक, वाटरफॉल तक, और फिर आपको दिखाता हूं, देखिए। तो ये आ गया मैं वाटरफॉल के पास में। वाटरफॉल तो मस्त है यार, बहुत बड़ा है और बहुत मस्त है, आप देखो सिर्फ।
इस लेक का दूसरे एंगल से भी। तो हम वहाँ जाते हैं, पहाड़ के ऊपर है, थोड़ा चढ़ना पड़ेगा, ये देखो, और फिर वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ और वहाँ से हम देखते हैं कितना और ज़्यादा अच्छा लगता है। चलो, मज़ा आ रहा ना अभी तो। और कुछ नहीं, और ऊपर जाएंगे और ऊपर से देखेंगे व्यू कैसा है क्या है। चलो जाते हैं। तो अब मैं लेक के टॉप पे आ गया। वांद्री लेक बोलो, वांद्री वाटरफॉल बोलो। अब मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ ऊपर से कि कितना खूबसूरत है यहाँ से, ये देखो। क्यों है ना मज़ा बाबूजी, यहाँ नहीं आए मुंबई में रह के भी तो क्या मज़ा, इतना नज़दीक तो आ ही सकते हो यार। ट्रैकिंग ज़्यादा नहीं है, मैं ऊपर चढ़ के आया, आप नहीं आओगे तो नहीं थकोगे। खाली ऐसा है समझ लो कि मैं वहाँ पे था जहाँ वो सब बंदे खेल रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं, वहाँ नीचे गई और अब मैं यहाँ ऊपर हूँ। और हाँ, चैनल का, इस वीडियो का सबसे एक्साइटिंग पार्ट, एक्सपेंसिव वाली चाय अब आने वाली है, देखो। तो ये है वो महंगी वाली चाय जिसकी मैं बात कर रहा था। हम यहाँ लेक साइड पे चाय बनाएंगे, आराम से बैठ के चाय पियेंगे और चाय के मज़े लेंगे और देखते हैं चाय का टेस्ट वाकई ही वैसा आता है जैसा हम घर पे पीते हैं या यहाँ पे कुछ अलग फील आता है। तो ये है सबसे महंगी चाय जिसके लिए आपको सुबह 4 बजे उठना है, 1.5 घंटा राइड करना है, यहाँ जगह ढूंढनी है, अपना खुद का स्टोव लाना है, बर्तन लाने और चाय बनाने और फिर पीनी है। इसीलिए चाय काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर वांद्री पे आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चाय पीनी है तो ये सब सेटअप करके आओ और आराम से पियो। अब देखते हैं चलो हमारी चाय कैसी बनती है, चलो देखते हैं। चाय तो अच्छी होनी, पागल है साले नहीं पी रहे। लेक के साइड बैठ के चाय बना के पियो, मजा ही अलग है यार। मेहनत है लेकिन मज़ा भी है। तो मैं चाय पीने के बाद मैं आपको डिटेल्स देता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे आना है और सबसे आसान तरीका क्या है। तो मैं चाय ख़त्म करूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चाय पी के जगह एक्सप्लोर करने के बाद में अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता हूँ। पहले तो लॉकडाउन का सीन है तो सैटरडे संडे को अगर आप आओगे तो आपको थोड़ी मशक्क़त हो सकती है क्योंकि मैंने सुना है कि पुलिस अंदर आने नहीं देती, तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। मैं फ्राइडे को आया हूँ यहाँ पे तो मैं आराम से आ गया। मैं सुबह आया कुछ 6:30-7 बजे के आसपास, तो एंट्री हो गई। अगर आप लेट आओगे तो शायद से आपको पुलिस की नाकाबंदी मिले। बाकी आप यहाँ आओगे कैसे, वांद्री लेक का सबको पता है, आपको वांद्री लेक पे ही जाना है, उसी डायरेक्शन में जाना है। और बाकी कोई भी गाँव वाला होगा उसको पूछ लेना कि यहाँ पर डैम कहाँ पर है या यहाँ पर दबदबा कहाँ पर है, मतलब दबदबा कहाँ पे है या झरना कहाँ पे है, तो वो लोग बता देंगे। वहाँ से कुछ जो आप लोकेशन देख रहे हो या जहाँ लोग वांद्री नॉर्मली आते हैं वहाँ से कुछ 2 मिनट का रास्ता है,
खाली ऐसा है कि हम जाके राइट ले लेते हैं और लेफ्ट से एक रास्ता जाता है जो यहाँ पे आगे खुलता है, तो आपको बस इतना ही आना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप अगर छोटे से राइड के बारे में सोच रहे हो, कोविड में कहीं नहीं निकले हो और ऐसा सोच रहे हो कि हाँ आसपास कहीं जाना चाहिए, तो ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा है और काफ़ी पीसफुल है, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, तो आप आ सकते हो, एक दो घंटा स्पेंड करके जा सकते हो, तो आपका पूरा दिन भी नहीं जाएगा और ना ज़्यादा थकान होगी, क्योंकि ट्रैकिंग जैसा कुछ है नहीं, वाटरफॉल है, अगर आप नहाना चाहो तो नहा लो, वो सब आपके ऊपर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल जब सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि और भी ऐसे बहुत सी वीडियोज़ हैं जो आगे आने वाले हैं, बहुत सी ऐसी प्लेसेस मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और दूसरी बात, मैं एक्सप्लोर ज़्यादा इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।